भारत सरकार के विदेश मंत्रालय आईएम इंदौर के संयुक्त कार्यक्रम में इंदौर आईएम में आयोजित विकास प्रबंध कार्यक्रम में आए मंगोलिया के मंत्री ओएन एडेन लुसान मसाई और प्रतिनिधिमंडल सहित 25 सदस्यीय दल ने महापौर और विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ और निगम आयुक्त आशीष सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर मंगोलिया से आए दल को इंदौर के स्वच्छता अभियान, बीआरटीएस योजना, स्मार्ट सिटी योजना, इंदौर के तहत किए जा रहे कार्यों और कार्य योजना से संबंधित जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मंगोलिया से आए डेलीगेट्स के सदस्यों ने कहा कि आपका शहर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है। इतना स्वच्छ और सुंदर शहर हमने नहीं देखा। वाकई इंदौर ने स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। नमस्कार, आज हमारे यहाँ मंगोलिया के गवर्नर्स आए हैं, 25 गवर्नर्स आए हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं और वो आए इंदौर के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस लर्न करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पे बीआरटीएस देखा, स्मार्ट सिटी देखा, स्वच्छ भारत अभियान देखा और इंदौर ने 2015 से और 2020 में जो A146 रैंक से नंबर 1 रैंक लगातार 3 बार आया है उसकी सारी जानकारी प्राप्त करी। वो मंगोलिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग इंदौर वासी उनको कंसल्टेंसी दे कि वो मंगोलिया में स्वच्छ भारत जैसे हुआ है पॉलिसी वो वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करें, स्मार्ट सिटी कैसे डेवलप करें और सबसे बढ़िया बात लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ें। तो ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि मंगोलिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इंदौर का मॉडल स्टडी करके अपने वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये हमारे बहुत गौरव की बात है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और आप सबके सद्भावनाओं के साथ ये सब पूर्ण हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत सलमान। मैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और पब्लिक पॉलिसी का और मैं यहाँ पे चेयर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हूँ। इस अवसर पर महापौर श्रीमती गौड़ द्वारा मंगोलिया से आए डेलीगेट्स जिनमें 22 गवर्नर और 3 गवर्नर प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि आप देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर और स्वच्छता में 3 बार देश में प्रथम आने वाले शहर में हैं। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में शहर के जागरूक नागरिक, प्रतिनिधिगण, मीडिया, निगम, अधिकारी, कर्मचारी सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। मंगोलिया से 24 सदस्य दल यहाँ पर पूरे भारत में सभी अनेकों जगह पे वो अध्ययन करने के लिए आए हैं। आईएम हमारे यहाँ जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर वे सभी मैनेजमेंट का पूरा अध्ययन किया। हमारे यहाँ पूरा गार्बेज सिस्टम का सिस्टम देखने आए थे, पूरा स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हमारे आईएसटीएल बस सर्विस का पूरा सिस्टम उन्होंने देखा। हमने प्रेजेंटेशन दिखाया उनको और काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की है सफाई वगैरह की और सभी दल के लोग यहाँ आए उनका मैं शहर की ओर से वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर मंगोलिया से आए प्रतिनिधिमंडल को बीआरटीएस का निर्माण तथा कैसे बसों का संचालन किया जाता है, बसों के टिकट तथा स्मार्ट कार्ड योजना का संचालन और बसों में लगे जीपीएस आदि सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।